धौलपुर स्टेशन पर अहमदाबाद ग्वालियर ट्रेन के ठहराव को लेकर शुभारंभ करने आए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सवर्ण समाज के लोगों से एसटी एससी एक्ट को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध किया, तो वहीं सांसद ने भी एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग बताते हुए विरोध को स्वीकार किया। सांसद ने बताया कि हमने इस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया है, तो रेल मंत्री ने धौलपुर की समस्याओं से अवगत होते हुए ट्रेन के ठहराव को स्वीकार किया। इस दौरान ट्रेन आज धौलपुर स्टेशन पर 9:08 पर आई और 9:10 पर सांसद मनोज राजौरिया और धौलपुर बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी, बोलो। आज धौलपुर की जनता के लिए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। आगरा अहमदाबाद थी, इसका विस्तार ग्वालियर तक हुआ और धौलपुर की जनता को इसका पेज मिलकर बहुत बड़ा उपहार मिला है। धौलपुर की जनता सप्ताह में 3 दिन अजमेर जयपुर अहमदाबाद तक सीधा हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। मैं सोचता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग मिला है। अब जयपुर अहमदाबाद तक सीधी पहुँच धौलपुर की जनता को हुई है। मैं सभी जनता को बधाई देता हूँ। ये एक अच्छी ट्रेन धौलपुर लोगों मिली है सौगात रूप, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंगापुर वाली लाइन थी छोटी लाइन थी, उसका मांग करोड़ों की मांग चल रही काफ़ी लंबे समय से, उसके लिए सांसद की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी भी जब आगरा मंडल में बैठक हुई उस विषय को हमने उठाया है। कुछ बजट के इश्यूज़ हैं, कांग्रेस सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहण और बिना पर्याप्त बजट के यहाँ पे शिलालेख लगा दिया था। उसके पश्चात हमने विषय को उठाया और बजट आवंटन कराया। लगभग 16 करोड़ उसमें कार्य भी शुरू हुए थे, लेकिन ज़मीन की उपलब्धता न होने के कारण वो कार्य अटका था। ज़मीन उपलब्धता न होने के पीछे बजट की कमी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को मैंने ये विषय उठाया है कि इसमें बजट का प्रावधान केंद्र सरकार अधिक करे, क्योंकि राज्य सरकार का इसमें ज़मीन उपलब्ध करा सकती है बजट आवंटन के बाद में। तो मैं सोचता हूँ कि ये विषय आगे बढ़ रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तब वो करौली आए थे, जब से ये मांग जनता की है, इस मांग को सांसद बनने के बाद में मैंने बखूबी से आगे उठाया है, काम शुरू करवाया है। किन्हीं तकनीकी कारणों से अटका था, वापस शुरू होगा और ये रेल लाइन हमारे को सौगात के रूप में भविष्य में जल्द से जल्द मिलेगी। सर, एसटीएफ लोगों ने काले झंडे दिखाया, विरोध किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी कानून होता है तो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावना होती है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो चाहे आम कानून हो। इसी प्रकार से एससी एसटी एक्ट को लेकर जो लोगों में रोष है, वो नाराज़गी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण रहा है कि बहुत सारे मुद्दों में उस कानून का दुरुपयोग भी हुआ है और वो दुरुपयोग एक आक्रोश के रूप में जनता के दिलों पर आ रहा है। मैं इस विरोध को विरोध नहीं मान के एक अपनों का आक्रोश मान सकता हूँ, और इनकी भावना यह है कि इस कानून का दुरुपयोग न हो। और मैं सोचता हूँ कि भावनाओं में कोई बुराई नहीं है, किसी भी कानून का दुरुपयोग गलत है, उसका दुरुपयोग रोकने के सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। और इसकी भावना को संसद में जब भी अवसर मिलेगा बखूबी से मजबूती से इस चीज़ को एक सांसद के नाते में उठाने का पूरा प्रयत्न करूँगा, और आशा करता हूँ कि दुरुपयोग रोकने का कोई ना कोई प्रावधान भारत सरकार इस चीज़ पर गंभीरता से विचार करेगी। हम लोग संसद के समक्ष बहुत मजबूती से इस बात को उठाएंगे।